पोहरी। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश पर संपूर्ण जिले में सीपीआर देने की ट्रेनिंग पुलिस बल को दी जा रही है। इसी तारतम्य में आज पोहरी थाना परिसर में सीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह धाकड़ एवं डॉक्टर दीक्षांत गुदेनिया के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण दिया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा बताया कि अचानक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उस दौरान तत्काल इमरजेंसी में मदद के लिए हमें सीपीआर देकर उसकी जान बचा सकते हैं। उन्होंने सीपीआर देने की प्रक्रिया बताई कि आखिर किस प्रकार सीपीआर दे सकते हैं। इस दौरान थाना प्रभारी बलबिंदर ढिल्लन, सहायक उपनिरीक्षक पवन शर्मा सहित पुलिस बल मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कुछ प्रशिक्षण दिया और इसका क्या कुछ उद्देश्य? आज सारे प्रदेश में पुलिस प्रशासन की तरफ से कैंप आयोजित किए गए हैं थानों में। तो उसके उपलक्ष्य में हमने जो बेसिक चीज़ है, मान लो किसी को सड़क किनारे कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर स्टाफ में भी किसी को समस्या होती है, उसके बारे में सीपीआर के बारे में समझाया गया है और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया, जिससे कि तत्काल उसको दे के अपन एम्बुलेंस के द्वारा या स्टार के द्वारा और हंड्रेड द्वारा हॉस्पिटल तक पहुँचा जा सकता है। जिसमें आरक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य? जी, पुलिस मुख्यालय के आदेश के पालन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में अचानक अटैक आने पर या अन्य कोई बीमार होने पर क्या उपचार किया जाए पुलिस द्वारा, इसी संबंध में कैंप का आयोजन किया गया है। उसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय सिपरी के निर्देशन में हमारे द्वारा थाने पर ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और डॉक्टर दीक्षांत जी द्वारा जानकारी दी गई है संपूर्ण स्टाफ को, यदि किसी को अटैक आ जाता तो आप कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे, और सीपीआर के संबंध में भी जानकारी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि त्वरित किसी को ये इलाज मिल जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है।